ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है गाइस, ठीक है? एंड बाकी बैकग्राउंड को देख के घबराओ मत, मैं सब कुछ आपको इसमें समझा दूंगा, एडजस्टमेंट करवा दूंगा। तो आपको सबसे पहले ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद जो है आप लोग करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से फुल स्क्रीन करके आप कहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है? अगर मैं ज़्यादा फुल स्क्रीन करूँगा तो यहाँ मॉडल मेरा काफ़ी बड़ा लगेगा, तो मैं यहाँ पे जो है बैकग्राउंड को थोड़ा क्रॉप कर लूँगा। बट आप लोग इतना ही बैकग्राउंड में आप अपने जो फोटो का एडिट करना, ठीक है? तो पहले जो मैं साइड से थोड़ा सा एजेस को जो है रिमूव करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज़र टूल में जाके साइज ओपेसिटी हार्डनेस कम करके, ठीक है? एंड यहाँ से साइड से हल्का हल्का ऐसे रिमूव करूँगा, ठीक है? इतना हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है हम फोटो का यहाँ पे सिंपली डन करेंगे। और फिर इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे हम जो है फोटो को डन कर लेते हैं, इसको जो है हम क्रॉप करेंगे। तो फोन इसको जो है मैं क्रॉप करूँगा गाइस पहले फ़ोन का रोटेशन को मतलब कि ऑफ करके, क्योंकि आई कि वैसे जो है यहाँ पे मतलब फोटो क्रॉप करने में ज़्यादा ईजी होता है मेरे में। तो मैं इसको पहले यहाँ पे डन करता हूँ, फिर इसके बाद से क्रॉप करता हूँ मैं फ़ोन को रोटेट करके। सो यहाँ तक मैं इतना रखूँगा, ठीक है? तो यहाँ तक इतना हो चुका है हमारा। अब फ़ोन को जब वापस से रोटेट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो गाइस देखिए आप यहाँ पे करना क्या, आप लोग आप सब चले जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको आई एम सैड वाला जो है ये टेक्स्ट पीएनजी, ठीक है? ये वाला। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो पहले आई एम को रखना है यहाँ पे, ठीक है? सैड को पहले रिमूव कर देना है यहाँ से। तो इरेज़र टूल से यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जैसा हम इसमें करेंगे गाइस वैसा ही सेम हमें सैड के साथ भी करना है। तो हम पहले क्या करेंगे इसका जो है यहाँ पे साइड में इस तरीके से पहले इसको एडजस्ट करेंगे और फिर यहाँ से जो है हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। या तो हम इसे मल्टीप्लाई रख सकते हैं और या फिर हम ओवरले, ठीक है? तो आपको दोनों में से जो रखना हो वो रख लेना। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मल्टीप्लाई एंड उसके बाद इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी कम कर लूँगा। ओके गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब जो है गाइस क्या करेंगे, मैट फोटो में जाएंगे यहाँ पे टीयर्स के पीएनजी लगाएंगे ये वाला, ठीक है? यहाँ पे तो फोटो कम क्या है पहले कर लेंगे, यहाँ पे जूम कर लेंगे थोड़ा एंड उसके बाद इसको छोटा करके जो है कुछ स्टेप से हम यहाँ पे अपने आई के पास इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है? एंड साइज़ को जो है आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? यहाँ पे साइज़ जो मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, फोटो यहाँ पे डन कर लेना है एंड इसको लेके चलना फिर लाइट रूम में फोटो यहाँ पे सेव करके। तो लाइट रूम में लेके चलते हम डायरेक्ट इसको, ठीक है? यहाँ पे तो सबसे पहले हम जो है इसकी लाइट को करेक्ट करेंगे। तो लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट को जो हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे, हाईलाइट्स को जो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड जो यहाँ पे शेडो इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे। कलर्स में जाएंगे, कलर्स में जाने के बाद पहले वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड मिक्स टोन में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे और सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे। और फिर इसके बाद येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू माइनस कर देंगे, ब्लू कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस माइनस कर देंगे एंड सैचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस कर ही देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले टूल में जाएंगे, यहाँ से जो पहले फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देंगे एंड फोटो में विगनेट डाल देंगे एंड नीचे आपको मिलेगा फीदर, आपको उसको 100+ कर देना है।